हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, ठीक कैसे हो? हूँ। आप तबीयत कैसे ठीक हो? है ना? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तुम्हें मिस कर रहा था, क्यों? तुम्हें मिस कर रहा था बहुत ज्यादा। क्यों? क्यों, क्या क्यों? बस याद आ रही है तुम्हारी, सो कॉल किया। क्यों, अच्छा, अब मुझे याद भी नहीं आ सकती क्या? हाँ आ सकती है। क्या कर रहे हो? कोई काम कर रहे हो हाँ, क्या? खाना बना रही हूँ। भिंडी ओए होए, आज क्या बना रहे हो खाने में? अच्छा चलो, मैं तुमको भिंडी बनाना सिखाता हूँ। आता हाँ है आपको? बस हाँ बटर वाली? करो, मुझे नहीं लगता आपको आता होगा। नहीं, सच्ची आती है, बटर वाली भी आती है, और वो जो सादी वाली होती है ना, वो वाली भी आती है, लेकिन उसको फ्राई वाली, मस्त तड़के वाली एकदम। अच्छा चलो बताओ कैसे बनाते देखो, हैं। तुम जैसे भिंडी बना लोगी ना, ओके, भिंडी बनाना जैसी बनाती हो, लाइक नॉर्मली जैसी बनती है वैसी ही बनती है, मैं फ्राइड वाली बता रहा हूँ। वो तुम बताओ, नॉर्मल वाली कैसे बनाते हैं। अरे वो जो कुछ हो सुनो तो सही, सुनो मुझे हाँ आता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ ना। मेरे पापा को बहुत जी पसंद है, पहले भिंडी बना देती है मम्मी, ठीक है? फिर जी उसको मैं क्या करता हूँ, तेल लेता हूँ, ठीक है, कढ़ाई में 2 चम्मच, मतलब वो बड़े वाले नहीं होते, वो वाले, ठीक है? जी फिर तेल लेने के बाद उसमें भिंडी डालता हूँ, ठीक है? वो डालने के बाद ऊपर से उसमें और ज्यादा मसाले डालता हूँ, गरम मसाला, वो सब चीजें, ठीक है? फिर वो कड़क कड़क फ्राई हो नहीं, जाती है। तेल गरम ही करेंगे। अब तो तेल गरम हो, अब मेरी माँ, मैं क्या पूरी पूरी टाइम के साथ बताऊं तुम्हें? बोला ना हाँ, तो तेल कि गरम होने के हाँ बाद उसके अंदर भिंडी हाँ डालते हैं, फिर वो थोड़ी गरम हाँ हो गई, मतलब थोड़ी, मतलब कड़क सी हो जाती है, पहले सॉफ्ट होती है, बाद में थोड़ी कड़क होने लगती है, ठीक है? तो जी जब जब वो थोड़ी कड़क होने लगती है, तो उसके ऊपर मैं मसाले डालता हूँ ऊपर से और ज्यादा, ठीक है? फिर उसको तलने देता हूँ, थोड़ा फ्राई हो जाती है अच्छी खासी। फिर जब वो रोटी के साथ खाते हैं ना, कुरुम कुरुम आवाज आती है, और वो टेस्ट, पानी आ गया मुंह में। और बटर वाली पता है? लगता इतनी ज्यादा अच्छी बनती होगी। नहीं सच्ची, बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। और पता है, तेल की जगह पर अगर बटर यूज करो ना, तो भाई मतलब, और उसके ऊपर चीज, वो जो होता है ना चीज, उसको वो करते हैं ना, वो खिस करते हैं, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को नहीं पता, तो वो उसके ऊपर चीज डाल के और बटर में बनी हुई, ओए होए होए। बड़े बड़े सपने मत दिखाओ, मत दिखाओ नॉर्मल वाली के ना अरे भी, वो दिखाओ, ये वो तो और एक दिखाओ चीज हो गई, मुझे। सुनो तो, हम भिंडी कैसी आड़ी काटते हैं, मतलब गोल गोल काटते हैं ना, तो ठीक है, उसको एक काम करना, वो खिसनी होती है ना जिसके ऊपर वो मतलब चीज को रब करते हैं, तो नीचे चूरा गिरता है उसका, क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैं अब तो सुनो तो सही, उस भिंडी को को लंबा नहीं काटना, ठीक है, लंबा और पतला, सुनना, मैं को और उसको तलना। क्या जैसे मैं नॉर्मल वाली बना रही हूँ, वो बताओ मेरे को कैसे बनाते हैं। तो बनती है वैसी बनती है, वो सब छोड़ो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ बस। बताओ, कोई देखो, नहीं पहले फिर। पहले थोड़ा सा तेल लेना है, ठीक है? फिर उसके अंदर मिर्ची, कांदा जो होता है वो डालना है, ओके? फिर कांदा थोड़ा हाँ लाल तो क्या होगा, होता है? कांदा मतलब ओनियन, प्याज, हाँ, मराठी, ओके, हाँ, वो थोड़ा ये होने देना है, समझे? यार आज खाने की बातें क्यों कर रहे हो, मेरे को भूख लग रही है, पता है क्या? जल्दी क्या? हाँ, हाँ, नहीं टमाटर गिर के जा रहे कटे अच्छा हुए, तुम भिंडी में टमाटर भी डालते हो? मैं डालती। मेरी मम्मी ने डाल दी। हाँ वैसे नहीं डालती भिंडी में, अभी मैं मैं मैगी डाल बना देती रहा था, पता है? यार। मैं पता, मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे तुमसे अच्छी मैं बनाता हूँ 7 तरह की, अरे पता मैं है? बनाती हूँ, हाँ तो मैं तुमसे अच्छी बनाता हूँ बोल रहा करो हूँ यार मेरा मन करे ना, वो कढ़ाई दिख रही है ना, कढ़ाई में कैसे तेल वो आवाज कर रहा है, कौन दिख रहा है आपको? हाँ सुनो तो, जैसे वो चल रहा है ना तुम्हारा कढ़ाई में, वो जो तेल आवाज कर रहा है, तल रही हो कुछ शायद, ठीक है?
तो मेरा अगर मन पड़े ना तो मेरी प्यार की कढ़ाई में मैं तुम्हें तल दूँ और खा भी जाऊँ क्या? भगवान, नहीं, फिर मैं मर जाऊंगी। मैं प्यार की कढ़ाई में बोल रहा हूँ, मतलब मेरे दिल में यार, मेरे दिल कढ़ाई के शेप का तो नहीं है वैसे, बट बस समझ लो यार। बोल रखे है ना पागल। तो वो होता है ना, शब्दों पे मत जाओ, भावना समझो, भावना। नहीं समझती। तो जाओ फिर शब्दों पे, मेरे को क्या है, आ जाओ मेरी प्यार की कढ़ाई में, तल देता हूँ तुमको, खा भी जाऊंगा। मैं और तो बताओ जाना, टिंडे टिंडे खाऊंगी। कि टिंडे, भिंडी, ये क्या होता है? भिंडी, भिंडी। टिंडे से नहीं आ रहा है मेरे को। अच्छा, मैंने टिंडे कभी खाए नहीं। तुमको भिंडे पता है क्या होता है? भिंडे वो क्या हाँ, होता है? भिंडी का भाई देखो, बेसन होता है, बेसन के बनते हैं, और अपना आटा होता है ना गेहूं का, उससे बनते हैं, हर तरह से बनते हैं, मतलब पराठे टाइप होता है। कैसे हाँ यार, तो मेरे को भूख, बनते कैसे बनते हैं देखो। बेसन होता है ना, हैं? तो पहले बेसन को पानी पानी कर, मतलब पानी में मिक्स कर देना, ठीक है, पतला सा करना। डोसे का, डोसा खाता है, डोसा खाया है ना, तो डोसे कैसे बनते हैं, सेम वैसा बेसन का करना, ठीक है। मैं तुम पानी, बताओ। हाँ, तो पानी में बेसन मिलाना अच्छे से, थोड़ा स्लरी सा करना उसको, पतला सा, और तवे पे डालना उसको, उसके अंदर नमक नमक, बाद में तिखट मिर्ची विर्ची जो कुछ हो, तुम्हारी मर्जी, फ्लेवर के हिसाब से, स्वाद अनुसार उसके अंदर डालना है, ठीक है। वो होने के बाद में उसे अच्छे से, क्या पैन होता है, पैन के ऊपर पोतना है अच्छे से, और उसको गर्म होने देना है, फिर निकाल के साइड, मतलब पहले ऑयल डालना है तो चिपक जाएगा ना, ऑयल डालना है उसके ऊपर, वो डालना है, उसको फैलाना है अच्छे से तवे पे, और जब फैल जाता है तो उसको पलटाना है, तो उसके अंदर तुम कांदा टमाटर जो कुछ डाल सकते हो, ना टेस्टी लगता है ना, बेसन का हो जाए, फिर आटे का, आटे को पतला कर देना एकदम, मतलब पानी मिला के, उसका भी होता है। मैं क्यों खाने की बातें कर रहा हूँ, मेरे को भूख लग रही है यार। और आपने जो भी मेरे को बताया, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। एक भी चीज नहीं सीखी तो मैंने। यहाँ पे आओ, मैं खिला दूंगा दूंगा, वैसे मेरे को बताते नहीं आता है, मैं देख रही हूँ, मेरा एक्साइटमेंट खाने के लिए मन कर रहा है भी, टूट पड़ू मैं तुम्हारी भिंडी पे। मुझे कुछ बनाने का शौक है, खाने का ना। मुझे खाने का शौक है, और बनाने का तो उससे ज्यादा, खुद के हाथ का बना हुआ टेस्ट करना बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, तो जी तुम ना सब कुछ सीख लो, ठीक है, फिर मेरे को खिलाना, अब मैं ओके। मंचूरियन, क्या सीखूं? नूडल्स, पूरी चाइनीज की, चाइनीज वो वाला चाइना नहीं, अपने इंडिया में जो डिशेस बनती है ना, वो वाली डिशेस सीख लो, ठीक है, सारी, ठीक महाराष्ट्रियन, है। तुम्हारे हिमाचली वाले, हर टाइप की, हर एक, मतलब। अरे इधर का तो मुझे सब कुछ आता है। हाँ तो बस मेरे को खिला दो यार, भूख लग गई। ठीक है, भेजती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, हाँ व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे पेट भर लूंगा देख के। क्या और सुन अच्छा यार सुनो, तो रही। मैं ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, सुबह से बिजी हो तुम, और मैं खाने के पीछे भागने लग गया। अरे आवाज अटक रही है तुम्हारी, क्या बोला, आपको क्या लगी थी? क्या क्या? बोल रही मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, और तुमने ये खाने की बातें ला ली, तो मैं खाने के पीछे भाग रहा हूँ, हो? क्या क्या? अरे क्या तुम्हारी आवाज कुछ भी क्लियर नहीं आ रही है, टुगी, क्या 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 है, क्या बोला? हेलो। हाँ बोलो। क्या कर रहे थे, ऐसा आवाज ही नहीं आ रही थी।
मैं खाना ही बना रही हूँ, क्या बोलती हूँ आपको। शोल्डर पे फोन रख के बात कर रही हो क्या? हाँ कर रही थी इसलिए। हाँ, इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। अच्छा चलो तुम कर लो काम, फालतू में हाथ वाथ जल जाएगा तुम्हारा। ठीक है? हो गया ना, मैंने नहीं तड़का लगा दिया है, मैं कुछ भी नहीं करती। हाँ, तो फिर भी तुम कर लो सब कुछ, खत्म कर लो पूरा खाना बनाना, फिर कॉल करना। ठीक है? टेक ठीक है, ओके, केयर। बाय। मिस अच्छा सुनो, यू टू। मिस यू यार। आप हाँ जी, अब फोन रखो। रखो। अरे हाँ, तुम्हारा हाथ। ठीक है, चलो टाटा। ओके।